हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको लेके जा रहे गुजरात के भावनगर के नज़दीक स्थित गढ़पुर धाम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भगवान स्वामी नारायण का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो चलिए दर्शन करते हैं गढ़पुर धाम के। हमारा यह वीडियो हमारी उसी यात्रा का हिस्सा है जिसमें हम वड़ताल से धोलेरा, धोलेरा से साड़ंगपुर, साड़ंगपुर से गढ़ड़ा और गढ़ड़ा से केला सोमनाथ गए थे। तो अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं साड़ंगपुर से, और साड़ंगपुर से गढ़ड़ा की दूरी करीबन 36 किलोमीटर है जो आप एक घंटे में पूरा कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा साड़ंगपुर का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर गढ़ड़ा बाय रोड आ रहे हो तो आप यहाँ पर अहमदाबाद, राजकोट या सबसे नज़दीक में भावनगर होकर भी आ सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से आ रहे हो तो यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बोटाद जंक्शन है जिसकी दूरी यहाँ से 27 किलोमीटर है। और यदि आप बाई एयर आ रहे हो तो राजकोट, अहमदाबाद एवं भावनगर एयरपोर्ट से होकर भी आप यहाँ पे आ सकते हो। और वही हम पहुँच गए गढ़ड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये जो तंग गली आप देख रहे हो ये गढ़ड़ा की ही है। और माना जाता है कि गढ़ड़ा स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान को गढ़ड़ा अति प्रिय था। वह कहते थे कि मैं गढ़ड़ा का और गढ़ड़ा मेरा। और वहीं इन तंगलियों से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं यहां गढ़ड़ा के मुख्य मंदिर के अंदर। यहां पे आपको गाड़ी पार्किंग के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर मंदिर के सामने ही बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है दोस्तों। यह जो आप सबसे लंबा बिल्डिंग देख रहे हो ये यहाँ का भक्त निवास है। और ये गढ़ड़ा शहर बसा हुआ है घेला नदी के किनारे पर। गाड़ी पार्क करके हमें मिलना था यहाँ के कोठारी जी से। इनकी ऑफिस मंदिर के बिल्कुल बगल में स्थित है। यहाँ पर आप सीढ़ियों से होते हुए आपको ऊपर जाना है और वहाँ पर आपको कोठारी जी से मिलना है, और उनको कहना होता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हमें कितने दिन के लिए यहाँ पर रुकना है। तो हमारी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर इस मानकी भुवन में रहने के लिए कर दी थी दोस्तों। यहाँ पर ठहरने के लिए यात्रियों से वैसे तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता, आपसे सिर्फ 100 रुपया डिपॉजिट लिया जाता है जो आपको जाने के समय वापस दे दिया जाता है। हम आराम करके आए, तब तक अंधेरा हो चुका था। तो अभी हम यहाँ पर और कहीं नहीं घूमेंगे और हम अपनी यात्रा कल से शुरू करेंगे। अगले दिन जब हम उठे तो हमारे कानों में मंत्रोच्चार की ध्वनि पड़ रही थी। तो हमने बाहर देखा तो हमारे रूम के सामने ही एक यज्ञशाला थी जहाँ पर यज्ञ चल रहा था, और हमारे रूम के सामने ही इस मंदिर के तीनों शिखर भी दिखाई दे रहे थे। और तभी अचानक से हमने मोर की आवाज़ सुनी। तो हम जब पीछे की ओर हमारी खिड़की खोल कर देखा तो वहाँ पर एक छत पर कुछ मोर इकट्ठा हो गए थे, और वहाँ पर मुर्गियाँ भी थी। और देखते ही देखते पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मोर ने वहाँ पर नाचना शुरू कर दिया था और उसने अपने पंख भी फैला दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इतने नज़दीक से हमने यह दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तो यह हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। और इतनी देर तक उसने यह नृत्य किया कि हम बस वहाँ पर खिड़की पर बैठ के वह नृत्य देखते ही रह गए। वैसे तो मोर के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन हमने अक्सर सुना था कि मोर तभी नाचता है जब भी बारिश आने वाली हो, या तो फिर वह अपनी जो मोरनी यानी कि मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पर हमारे केस में तो हमें यही लग रहा था कि वह मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक, दो नहीं बल्कि 3 या 4 मादाएँ थीं। और जब हमने और देखा पीछे की तरफ तो और 3-4 मोर भी थे, लेकिन वह वहाँ से काफ़ी दूर थे।
और यह एक ही मोर था जो बिल्कुल तान में आ गया था और नाच रहा था और मादाओं को रिझाने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य इतने नजदीक से देखना हमारे लिए बिल्कुल अकल्पनीय था, क्योंकि हमने कभी इतने नजदीक से मोर को इस तरह से नाचते हुए नहीं देखा था, और शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने इतने नजदीक से मोर को देखा होगा। और यदि आपने नहीं देखा है या आपने देखा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और जैसे कि आप देख सकते हो, यह मोर उस मोरनी को रिझाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हर तरह से नृत्य कर करके वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह मादाएं भी बिल्कुल हटी थी दोस्तों। वो सिर्फ दाना खाने में ही मशगूल हो गई थी, उन्होंने उस मोर की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, हमें तो यह दृश्य देखकर काफी मजा आ रहा था और यह सिलसिला करीबन 20-25 मिनट तक चलता रहा। लेकिन अभी हमें जाना था मंदिर में दर्शन करने के लिए दोस्तों, तो चलिए चलते हैं गढ़पुर धाम में श्री गोपीनाथ जी के दर्शनों के लिए। गढ़ा का यह प्राचीन मंदिर करीबन 194 साल पुराना है। इसकी स्थापना 1828 में की गई थी और यह मंदिर उन 6 मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से अपने जीवन काल में करवाया था, और यह गढ़पुर का मंदिर उनमें से सबसे आखिरी मंदिर था। मंदिर के ठीक सामने पार्किंग के पास इस तरह की छतरी बनी हुई है जहाँ पे श्री हरि के चरणारविंद स्थापित किए गए हैं, और वहीं से सामने होते हुए आपको इस मंदिर में प्रवेश करना होता है। यह मंदिर भी काफी खूबसूरत है दोस्तों। इसकी दीवारों पर आपको बहुत ही सुंदर वास्तुकला नजर आएगी और यहाँ पर रंगों का भी काफी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी यहाँ इस मंदिर में थोड़ा सा मरम्मत का काम चालू है, लेकिन फिर भी यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पे कई जगहों पर हमें ब्रिटिश समय के कॉलोनियल आर्किटेक्ट की झलक भी दिखाई दी दोस्तों, जो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। भक्तों की इस मंदिर प्रत्येक की आस्था आपको यहाँ पे हर किसी में नजर आएगी, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो चलिए मुख्य प्रवेश द्वार से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको कुछ इस तरह का नजारा नजर आएगा दोस्तों। यह काफी विशाल गर्भगृह है और यहाँ पर हर तरह पर दीवार पे आपको सुंदर नक्काशी काम नजर आएगा, और यहाँ पे मैं आपको इस मंदिर का और आरती का टाइम भी दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई असुविधा ना हो। और इसका गुंबद भी अगर आप अंदर से देखोगे तो उस पर भी आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी काम नजर आएगा। तो चलिए एक एक करके सभी देवों के दर्शन करते हैं। लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला खंड आता है उसमें श्री सूर्य नारायण देव जी, श्री कृष्ण, श्री बलदेव और उनकी पत्नी रेवती जी विराजमान है, और मध्य खंड में विराजित है श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री गोपीनाथ जी महाराज और श्री राधिका जी। यहाँ पर इस सुंदर गोपीनाथ जी महाराज की मूर्ति की स्थापना 9 अक्टूबर 1828 के दिन श्री जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से की थी, और इसे माना जाता है कि इसके निर्माण के लिए श्री भगवान स्वामीनारायण ने नारायण मिस्त्री को अपने अंगे अंग का माप लेकर उनके कद काठी की ही मूर्ति बनाने का आदेश दिया था, और इसी वजह से आज भी इस चमत्कारी मूर्ति में लोगों की अटूट श्रद्धा एवं विश्वास है, और यह स्वामीनारायण संप्रदाय में
एक आस्था का केंद्र बनी हुई है दोस्तों। आज भी आपको मंदिर में हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। और वहीं उसी के बगल में स्थित है श्री वासुदेव नारायण जी की मूर्ति, श्री धर्मपिता एवं भक्ति माता, जो कि श्री जी महाराज के माता पिता थे, उनकी मूर्तियां भी यहां पे स्थापित की गई है। और उन्हीं के बगल में स्थित है सुख शैया। मंदिर में दर्शन करते ही आप जैसे ही पीछे की तरफ आओगे तो यहां पर आपको इस तरह के कुछ कमरे नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले कमरे में श्री घनश्याम महाराज विराजित है और उसके बगल के कमरों को म्यूजियम की तरह बनाया गया है, जिसमें श्री जी महाराज के द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को एवं उनके चरणारविंदों को रखा गया है। यहाँ पर विकलांग एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। इस मंदिर का रिनोवेशन कार्य बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा था और ये आपको हर तरफ नजर आएगा। और अब बारी है मंदिर के पीछे की तरफ दादा खाचरनो दरबार जाने की, और उसी के आगे है यहाँ की सुप्रसिद्ध अक्षर ओरड़ी। तो चलिए दोनों जगहों के दर्शन करते हैं। दादा खाचर का दरबार यहाँ के मुखिया दादा खाचर का निवास स्थान हुआ करता था। जब भगवान स्वामीनारायण गढ़ड़ा पधारे तो उन्होंने एवं उनके परिवार ने अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ पर जो ये मंदिर अभी बना हुआ है, यह एक समय में उनके घर का आंगन हुआ करता था। और आज भी आपको इस जगह पर उसी पुराने समय की सारी चीजें वैसे की वैसी नजर आएगी जब भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर रहा करते थे। इस स्थान के मध्य में यह एक विशाल नीम का वृक्ष है। यह वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण इसी वृक्ष के नीचे बैठकर सभाएं किया करते थे और यहीं पर वह अपने भक्तों से एवं ग्रामजनों से मुलाकात करते थे। तो चलिए अब चलते हैं उसी के पीछे स्थित अक्षर ओरड़ी में। यह दोस्तों, यह अक्षर ओरड़ी यहाँ पे भगवान स्वामीनारायण का निवास स्थान था। करीबन माना जाता है कि 25 साल तक जब तक वो गढ़ड़ा में थे वो यहीं पर निवास करते थे और अपनी दिनचर्या भी वह यहीं पर करते थे। तो यह भी यहाँ का एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज भी आपको इस जगह में श्री स्वामीनारायण भगवान की सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। आप जैसे ही इस ओरड़ी की पीछे की तरफ आते हो, यहाँ पर आपको एक छोटा सा कुआं नज़र आता है जिसे गंगा जड़िया कुआं कहा जाता है। भगवान स्वामीनारायण इसी कुएं के पानी से स्नान किया करते थे। यहाँ की लकड़ियों एवं दीवारों पर आज भी आपको उस जमाने की उत्कृष्ट कलाकृति का नमूना नजर आता है। और साथ ही साथ यह स्थान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान ने अपनी स्वधाम गमन के समय यहीं पर अपने देह त्याग किया था। और वहीं इस ओरड़ी के नीचे एक बेसमेंट जैसा बना हुआ है। माना जाता है कि एक बार जब यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था, तभी भगवान स्वामीनारायण यहीं पर करीबन 6 महीने तक रहे थे और उन्होंने अपने बाल एवं दाढ़ी भी बढ़ाकर लिए थे। तो अब हम मंदिर परिसर तो घूम चुके थे और अब हम जा रहे थे पीछे घेला नदी के तट पर। क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था तो हमने सोचा कि यहीं पर कुछ गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। तो चलिए चलते हैं इस गढ़ा की छोटी छोटी गलियों से होते हुए और देखते हैं यहाँ पर हमें आज नाश्ते में क्या मिलता है। इस गढ़ा की गलियों में चलते हुए मानो आपको लगता है कि आप वापस से पिछले समय में आ गए हो, मानो कि समय थम सा गया हो। क्योंकि आज भी यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, बहुत ही कम चीज़ें बदली है। और तभी चलते चलते हमारी नज़र पड़ी एक दुकान पर जहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा था। यहाँ पर हमने ब्रेड कटलेट्स और समोसे एवं भजिए खाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहाँ पर ही आए, क्योंकि ये भाई साहब भी हमें हर चीज़ गर्मा गर्म बना के खिला रहे थे। और वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है यहाँ की घेला नदी और जिसके सामने स्थित है यहाँ का खूबसूरत BAPS का स्वामीनारायण मंदिर। दोस्तों यहाँ पर भी हमने 2-3 घंटे व्यतीत किए और यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी है, लेकिन इसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाने वाला हूँ जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम वापस आ गए हैं यहाँ के गढ़ड़ा के मुख्य मंदिर में, क्योंकि दोपहर हो गई है और अभी हमें यहाँ पर खाना खाना था। यहाँ पर खाना खाने के लिए यात्रियों के लिए एक विशाल भोजनालय बना हुआ है। जो ये एरो है यहीं से आपको अंदर होके जाना होता है। और यहाँ पर ये जो भोजनालय है यहाँ पर सभी यात्रियों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय के लगभग हर मंदिर में आपको खाना निशुल्क ही मिलेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि
कि आप कहीं भी खाना खाएं तो उसके सामने आप ज़रूर कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट कर दें, क्योंकि यह जो खाना आपको दिया जा रहा है यह भी किसी के द्वारा डोनेट किए गए पैसों से ही आपको मिल रहा है। तो आप भी आगे आने वाले भक्तों के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर दें। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो परिसर है ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और यहाँ पर अच्छे से बैठ के खाने की सुविधा उपलब्ध है। और तो और यहाँ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट था दोस्तों, मतलब मैंने अब तक जो भी स्वामीनारायण मंदिर में खाना खाया है उसके सामने यहाँ का खाना सबसे स्वादिष्ट था। और अब इतना खाने के बाद हम दोपहर को थोड़ी देर अपने रूम में आराम करने चले गए थे, क्योंकि शाम को हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मीवाड़ी। दोस्तों अच्छा खासा आराम हो गया था और अभी हम निकल पड़े हैं लक्ष्मीवाड़ी के लिए गढ़ड़ा की इन छोटी छोटी एवं खूबसूरत गलियों से होते हुए। यह दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि यहाँ पर आपको हर जगह पर ऐसे ही लगेगा कि आप पुराने समय में वापस आ गए हो, तो एक विंटेज फीलिंग आता है यहाँ के घरों को देखकर। और वहीं कुछ देर में बातें करते करते हम पहुँच गए थे यहाँ के यह मुख्य स्थान यानी कि लक्ष्मीवाड़ी पे। लक्ष्मीवाड़ी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान स्वामीनारायण का भी प्रिय स्थान हुआ करता था। वह जब भी यहाँ पर विचरण के लिए आते तो एक स्थान पर रुक कर वहाँ पर उस भूमि को स्पर्श करते। तो एक बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जगह बहुत ही पवित्र है क्योंकि अब तक जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने इस जगह पर बैठकर विश्राम किया था। यहाँ पर जैसे ही आप अपनी गाड़ी पार्क करोगे आपको सामने की तरफ यह एक छोटा सा सफेद मंदिर दिखाई देगा जिसका नाम है श्री हरि स्मृति मंदिर। और यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहीं पर भगवान स्वामी नारायण का अंतिम संस्कार किया गया था। और यह वही स्थान है जिस भूमि पर हर बार श्रीजी महाराज स्पर्श किया करते थे। और वहां उसी मंदिर में इच्छा राम जी महाराज, सहजानंद स्वामी एवं रघुवीर जी महाराज की मूर्तियां स्थापित है। और वहीं हमें यहाँ की संध्या आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी प्रसादी के स्थान है, तो चलिए देखते हैं उन स्थानों को। सबसे पहले मंदिर के पीछे की तरफ यह एक रूम जैसा कुछ बना हुआ है जिसे निष्कुलानंद स्वामी की ओरड़ी कहा जाता है, या कि आप जिसे निष्कुलानंद स्वामी का निवास स्थान भी कह सकते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जब स्वामीनारायण भगवान की अंतिम यात्रा यहाँ पर आई थी तो उनका विमान सबसे पहले यहीं पर रखा गया था। और उसी ओरड़ी के पीछे के भाग में स्थित है श्रीजी महाराज का बैठक मंदिर। यह स्थान भी काफी पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि जब श्रीजी महाराज लक्ष्मीवाड़ी आते थे तो वो यहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर सभा किया करते थे, और उस आम के पेड़ का चिन्ह भी यहाँ पर अंकित किया गया है। और यहीं पर वह ग्रामजनों से एवं संतजनों से सभा किया करते थे। और उसी के बगल में स्थित है श्री गोपीनाथ जी महाराज की गौशाला। यहाँ पर भी आपको उत्तम दर्जे की गिर गायों को देखने मिलेगा। हम जैसे ही उन्हें देखने गए तो वे हमारे तरफ दौड़ी आई, तो मेरी वाइफ ने आसपास में जो कुछ नीम की पत्तियां पड़ी हुई थी वो उन्हें खाने के लिए दी, तो उन्होंने तुरंत से वह खा ली। और उसी के बगल में एक गेट है जिससे होते हुए जब आप अंदर जाओगे तो आपको एक यहाँ पे छतरी नजर आएगी जिसे शरदोत्सव छतरी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान स्वामीनारायण ने यहाँ पर अपने भक्तों एवं संतों के साथ में रास किया था और अपनी दिव्य लीला के दर्शन दिए थे, जिसमें वह उन्होंने हर किसी के साथ में रास किया था। और उसी के बगल में स्थित है कामधेनु निवास। यहाँ भी एक गौशाला है और यहाँ पर भी जब आप भीतर जाओगे तो आपको हर तरफ गिर गायें ही नजर आएगी। और यह दोनों गौशालाएं श्री गोपीनाथ जी महाराज मंदिर की गौशाला ही है, और इसका रख रखाव भी मंदिर के द्वारा ही किया जाता है। और जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमारी नजर पड़ी मोतीबा स्मृति मंदिर पे। जी हाँ दोस्तों, ये एक महिलाओं का विशेष मंदिर है जो मोतीबा को समर्पित है,
जिन्हें जीवू बाबी कहा जाता है। भगवान स्वामी नारायण का उनके प्रति बहुत ही अटूट प्रेम था और कहते हैं कि वो भगवान स्वामी नारायण का भोजन स्वयं अपने हाथों से तैयार किया करती थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह गढ़ड़ा का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे गढ़ड़ा के वीडियो के संबंधित कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए जो हमने यहाँ पे अगर नहीं दी हमसे छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी अगले वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ से गेला सोमनाथ। जी हाँ दोस्तों, गेला सोमनाथ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है, और यह सोमनाथ के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।